परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सैनिटरी नैपकिन को लेकर पूछे गए सवाल पर आईएएस अधिकारी के कंडोम वाले जवाब से उठे विवाद पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट में लिखा कि कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार पहले से 300 रुपए प्रतिवर्ष सैनिटरी नैपकिन के नाम पर दे रही है। वक्त कार्यक्रम में उस बहादुर बच्ची ने 20-30 रुपए प्रतिमाह की मांग रखी थी, जबकि सरकार 25 रुपए प्रतिमाह दे रही है। शायद जागरूकता के अभाव में बच्ची और अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं रही होगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहीं भी आईएएस अधिकारी द्वारा उस बच्ची को अमर्यादित जवाब दिए जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल पिछले दिनों यूनिसेफ और अन्य संगठनों के सौजन्य से सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महिला विकास निगम की प्रबंध निदेशक हरजोत कौर भामरा भी पहुंची थी। इस दौरान एक बच्ची ने उनसे पूछा था कि क्या सैनिटरी नैपकिन के लिए 20-30 रुपए महीना दिया जा सकता है। इस पर हरजोत कौर भामरा ने बड़ा आपत्तिजनक जवाब देते हुए बच्ची से कहा था कि कल आप सुझाव देंगे कि सरकार जींस भी दे सकती है और उसके बाद कुछ सुंदर जूते क्यों नहीं। उन्होंने आगे कहा कि आप जल्द ही सरकार से परिवार नियोजन विकल्पों के साथ साथ कंडोम देने की भी उम्मीद करेंगे। कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये बिस्कुट दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बचा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को सरकार... नहीं कर सकते हैं? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की सरकार के हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। इस पर लड़की ने कहा था कि लोगों के वोट तय करते हैं कि कौन शासन करता है, तो अधिकारी ने कहा कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है, फिर वोट मत देना, पाकिस्तान की तरह बन जाओ। यही नहीं, उन्होंने उस युवती से पूछा कि क्या आप पैसे और सेवाओं के लिए वोट डालते हैं। आईएएस अधिकारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नीतीश सरकार की जमकर किरकिरी हुई। बीजेपी नेता इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आईएएस हरजोत कौर बयान पर विवाद उठने के बाद अब बैकफुट पर आ गई हैं। उन्होंने खेद जताते हुए एक माफीनामा जारी किया। अपने लेटर में उन्होंने लिखा कि अगर मेरे शब्दों के कारण किसी को ठेस पहुंची तो इसके लिए खेद जताती हूं। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना या नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था।